शहर आज हम आग के नारे आने के लिए तैयार है। चैप्टर 3 घर भाई चैप्टर 3 में क्या है आज हम तो चलो चलिए गाइस क्या हुआ था चैप्टर 3 में पॉपी मिलेगा और ये जो पॉपी डॉल है इसने हमारा एक्सपीरियंस करा था क्योंकि अब अपने हाथ अपने अपने ये जो हाथ रहते हैं खुद से अपने कुछ काम करवाना था पता नहीं हुआ हाँ तो और हमारा प्लेयर मर गया कि जितना था पता नहीं ओ भाई फिर हम होते और जो कि खतरनाक प्लेयर समझ रहे हो ना और वो एक खतरनाक मिला उसने अपने को टनल बता दिया और जो कि मतलब मेरे को दबाने वाले वो हमें दबाने वाले चाबी हम भाग गए थे पर भागते भागते हमें मिलता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर होते मंत्रा वाले नहीं फिर एक आता है चैलेंज फिर ये आता है यार रूम जिसके अंदर एक अननोन बंदा हमें कॉल करता है पता नहीं और वो बंदा हाँ तो मिस्त्री असली है मतलब वो जो बंदा था जिसने हमें फोन करा था उस वो एक बच्चा था और जिसका नाम था क्या नाम था उसका हाँ उसका नाम था ओली हाँ दोस्तों ओली नाम का उसका नाम था बहुत खतरनाक था वो मतलब आप समझ ही सकते हो ओली ओली खतरनाक कि कैटनक खतरनाक था ओली और ये ट्रेन का डेस्टिनेशन हो गया जब भी आपको ट्रेन गया ओली ये जो बंदा है ना ये एक अननोन बंदा था जो कि पॉपी का ही दोस्त या तो पॉपी डॉल उसकी दोस्त थी और ये कैट ना भाई सबसे प्लेयर है मेरा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मिलता है हमें होम स्वीट होम के अंदर ही हमारा पीछा करता रहता है जब अपने को नाइट में हगी होगी का सपना आ जाता है फिर अपन आते हैं इधर भी और आपको पता ही कॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के अंदर ये कॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री वालों ने ना उसके अंदर एक अंडरग्राउंड बना छाले खोल रखा धर्मशाला और उस धर्मशाले का नाम था प्ले केयर बहुत इंटरेस्टिंग होगा थी ये मतलब लिटरली को अनाथ डाले के लिए कॉल होता था और हमें लाइफ दिन पे लटका दी जाती था पता नहीं क्यों और ये जो कंपनी का मालिक है आप मतलब समझ सकते हो और मैदान को अंदर इतना खतरनाक था और फिर हम जाते हैं कॉल जिसके अंदर पता नहीं क्या होता है और भाई उसी के साथ साथ यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्ले करते थे प्ले कर बहुत ही अच्छा था यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल हाउस सब बना रखे थे और लोग के लिए रहने के लिए अच्छा सा घर बनाते जिस घर का नाम था ओम फ्रीडम भाई फिर वो ऑडियो हमें बताते हैं कि हमें कैसा करना है मतलब अंडरग्राउंड पूरा एरिया बना रहे चैप्टर 3 में सब हमें पता चलता है और कोई कोई कहते हैं चैप्टर 4 का एरिया है चैप्टर 4 की सारी नीरज जाएगी पर ये जितना ज़्यादा खूबसूरत था उतना खूबसूरत होने का लाभ उतना ही ज़्यादा बहुत उतना ज़्यादा खराब था ये था होम स्वीट होम पता ही आपको होम स्वीट होम के अंदर क्या हुआ था नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ होम स्वीट होम के अंदर क्या हुआ तो भाई वो हमारे होम स्वीट होम की ये जो हमने क्या स्माइली की जल्दी मतलब उसके अंदर स्माइली की जल्दी काम से मन करने लगते थे लगा मुँह खुला हो रहता था और सबसे खतरनाक था ये भाई और ये जो है इन्होंने बताया इसके बाद एक ऐसे ट्रेन ये वर्ल्ड नाइटमेयर भी बन सकता है जैसे कि इसका नाइटमेयर हो जाना और कैटने ड्रॉप बहुत खतरनाक होती है और जो कि प्ले टाइम शो के है चल में मिल जाता है हमें स्माइली की टाइम में और ये बहुत ज़्यादा बस घूमने से गायब हुआ अभी इतने ही बच्चे बहुत कम कैटना बच गया होगा एक समझ सकते हो ना भाई वो और जब ही आता है और बेकार रेड स्मोक ऑफ कैट मैन ये कैट मैन ये रेड स्मोक इसलिए छोड़ता है क्योंकि ये
ये फिलिप का बंदा था, इसको नींद कभी आती नहीं, पता नहीं क्यों पर कभी नींद नहीं आती थी, समझ रहे ना। और तभी निकलती थी कैसे वो बहुत खतरनाक था, कैसे बहुत डीप थी ये डिश। आपको तो पता ही कौन सी डिश है ये, इसको डालते हमें मिलता है माउस मास्क अंदर में जो भी बना दो चैप्टर 3 में रेड मस्त बचने का भाग का रेड कलर में था मास्क। चलो मिलने के बाद तो भाई मतलब ये मास्क बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये हमारी हेल्प करता था क्या करती रेड स्मोक से बचने के लिए पता नहीं क्यों। हाँ 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 क्या करो। और रेड स्मोक एक ऐसी चीज भाई बहुत खतरनाक थी और जो कि बहुत खतरनाक है रेड स्मोक से बचने के लिए। और जो आगे वगे ना ये मर जाते हैं चैप्टर 1 में। मतलब चैप्टर 1 में वो मर जाता है, फिर हमें मिलती है गेवार की जो कि रहती है गैस प्रोडक्शन की, फिर हम इसके अंदर जाते हैं और हमें एक ऐसा सेंट्रिलियन बनाना पड़ता है। मतलब ये जो पावर है उसको राइट से लेफ्ट लेफ्ट से राइट से अंदर अंदर से लेफ्ट करना है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और हमें हमारा मिलता है पर्पल कलर का है जब जाती हूँ जम्पर और रेड स्मोक की इतनी खतरनाक हो रही है क्या बताओ आपको, अच्छी नहीं मैं आपको बता नहीं सकता कैसे, मतलब इतनी खतरनाक हो रही है लेके जाके कितना बहुत पजल से गेम भर चुका है, पजल गेम लगता है और हमें मिलता है ग्रैब पैक, द ग्रैब पैक 2.0 तो हमारे चैनल का नाम है भाई का चैनल। फिर हमारी ये थी हाथ से हाथ की मदद से काम करते अपना, और अब अपना हाथ चेंज नहीं कर सकते जैसे कि मुझे ग्रीन हाथ का है तो मेरा ही दो हाथ है ये ब्लू ये कर रहा है अपने को ग्रीन आगे खत्म बात ऐसे कुछ और कितना हाथ चेंज कर रहा था जैसे भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और फिर आता है ओम श्री को भाई ओम भाई पांच पांच जी का और इतना खतरनाक था यहाँ पे आता था वहाँ पे थी इसके छपे थी एक बार को याद है वो तीन साल में छह स्नैक्स थे और फिर हमें किसी बच्चे को कॉल आता है जो बच्चा होता है वो होता है गिल्स और गिल्स और कभी जनता करना था और वो प्ले के लिए रहता था नीचे कहता कहता हम मतलब और ये जो वो भी रहता है कंपनी का मालिक है इतना खतरनाक और वो बहुत खतरनाक बन जाता है। और फिर ये बताते हैं कि हम में जैसे जैसे कैप नैप कैप कैप नैप कैप 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 नैप से बच के रहना होगा और तभी हमें एक नॉक के बाद अपने होम के अंदर फिर मतलब क्या गज सीन होता है ना उस टाइम पे हमें इतना 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 हंगरी होगी फिर हम जाते हैं उसी एरिया का पीछा करते हैं उसी आवाज़ का पीछा करते हैं यहाँ पे आवाज़ आती है नौकरी वो बंदा कहते हैं क्या क्या भाई साहब इतना खतरनाक फिर हम पहुँचते हैं इधर कैसे दिखाते हैं वेलकम टू प्ले टाइम पहले अपना हागी वागी दिखाता है बहुत सारा फिर अचानक से ऐसा पूछ सकता है कि आपको ना मतलब फेस गायब हो जाता है और फिर आता है नॉइजर मैं उनका जो भी लोग कुछ नहीं खेलते ना देखो ज़्यादा लोग कैसे छोड़ा जो वो रूम में छिल जाना चाहिए था जब वो बाहर आने वाले थे उसी रूम में छुप जाना चाहिए था भाई बात ही खत्म गेम खत्म वो भाग जा
के लिए तो वही जाके झुक जाओ। कानून और भाई चांद से निकल गया। मतलब देखो ये जो और ज्ञान दरवाजा भाई वो जब दौड़ाते हैं ना भाई साहब बहुत खतरनाक था ये बंदा। और है क्योंकि हाजी होगी का बदला लेने आएगा। हाजी होगी को आप जानते ही होंगे वही होते हैं हमारे ध्यान होते हमारे आज के लिए नहीं मैं तो नहीं मिलता।